नमस्कार, मैं इम्तियाज अंसारी। AIMIM पार्टी के पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर एमएन खान ने किया कंबल वितरण। गढ़वा छिनिया प्रखंड के रानी चेरी गांव में शुक्रवार को AIMIM पार्टी के गढ़वा रंका विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर एमएन खान ने एक मिलन समारोह कार्यक्रम के तहत कार्यक्रम में उपस्थित ग्रामीणों के बीच ठंड को देखते हुए गरीब असहायों के बीच कंबल का वितरण किया, जिसमें मंदोदरी कुंवर, नौकी कुंवर, लेट सिंह, जगबानी देवी, राम सकल कुर्बा, कुर्बान अंसारी, संतु, पूर्व तेतरी देवी, मलखान सिंह, रीता देवी, बाबू पुरबा, सुमित्रा देवी, इसहाक मंसूरी आदि सैकड़ों लोगों के बीच वितरण किया गया। इस मौके पर AIMIM के पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर एमएन खान, जिला अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार रजक, जिला प्रवक्ता रहमान अंसारी, युवा जिला अध्यक्ष मुजाहिम अंसारी, मिराल प्रखंड अध्यक्ष फारूक अंसारी, रंका प्रखंड अध्यक्ष इमरान अंसारी, हसनैन मंसूरी, खुशदिल अंसारी, सुरेंद्र गुप्ता, गुलबहार अंसारी, हाजी नसीरुद्दीन, इफ्तिखार अहमद इत्यादि लोगों ने कंबल वितरण कार्यक्रम के दौरान AIMIM पार्टी के सिद्धांतों के बारे में लोगों से चर्चा कर पार्टी से जुड़ने का आह्वान करते हुए गढ़वा रंका विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी एमएन खान ने कहा कि वर्तमान की सरकार एवं मंत्री जो बड़े बड़े वादे करते हैं, अपना वोट लेकर गए, इसका आपके बीच भरपाई नहीं हो सका। आप सब भली भांति जानते हैं कि किसानों के जमीन हाल सर्वे में हुई गड़बड़ी का सुधार करने की बात, वृद्धा पेंशन व विधवा पेंशन में 2,500 रुपये प्रति माह देने, पढ़े लिखे बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी। प्रधानमंत्री आवास योजना में केंद्र सरकार के अलावा झारखंड सरकार द्वारा राशि दिए जाने की बात कही गई थी, जो एक भी वादा पूरा नहीं हो सका, अब वादा ही बनकर रह गया। यह AIMIM पार्टी पिछड़ी, आदिवासी, दलित, दबे कुचले लोगों का हक अधिकार के बारे में आवाज उठाती रही है। तो ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डेली न्यूज, सबसे पहले सबसे तेज। नमस्कार।